महोदय, गांव के विकास और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पीएमजीएसवाई की इस देश में शुरुआत की। पूर्ववर्ती सरकार इसकी गंभीरता को नहीं समझी, इस पर विशेष ध्यान नहीं दी और लगातार इसके बजट में कटौती करते रहे। माननीय वर्तमान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने गांव के विकास के लिए उसके महत्व को समझते हुए लगातार इसके बजट में बढ़ोतरी की और पिछली सरकारों की तुलना में इस वर्ष 19,000 करोड़ रुपया इस क्षेत्र में दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं कौशाम्बी लोकसभा से चुन के आता हूं, जिसमें कौशाम्बी और प्रतापगढ़ दो जनपद आते हैं। पीएमजीएसवाई के गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत जो भी सड़कें बनेगी उसका प्रस्ताव माननीय सांसदों द्वारा लिया जाएगा और समय समय पर क्षेत्रीय सांसदों के साथ इसकी गुणवत्ता को देखने के लिए सर्वे किया जाएगा। लेकिन माननीय मैं बताना चाहता हूं, प्रतापगढ़ जनपद में पूरे पैसे की लूट मची हुई है और पीएमजीएसवाई सड़कों की कोई ना जांच हो रही है और ना तो उस पर कोई काम हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय ग्रामीण मंत्री से यह निवेदन करना चाहूंगा कि विशेषकर प्रतापगढ़ में जो पीएमजीएसवाई की सड़कें बन रही हैं उसकी गुणवत्ता के जांच के लिए यहाँ एक कमेटी भेज के उसका जांच करवाएं और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की कृपा करें।